नमस्कार दर्शक मित्रों, तीर्थ समाचार में आपनो स्वागत छे। बात करी सूत तौकते वावाजोड़ा ने लई भरूचना दरिया विस्तार में शू असर वर्ताई रही छे तेनी। जी हाँ, तौकते वावाजोड़ा ने लईने भरूचना दरिया विस्तार में असर वर्तावानुं शुरू थई चूक्युं छे। जोरदार पवन फूंकावानी साथे वरसादनुं आगमन पण थई चूक्युं छे। कांठा विस्तार में 108 एम्ब्युलेंस सेवानो स्टाफ रेस्क्यू साधन साथे तैनात करी देवायो छे। 6 जेटली एम्ब्युलेंस स्टेन्ड बाय राखवामां आवी छे। तंत्र संपूर्ण रीते एलर्ट थई चूक्युं छे। उच्च पोलीस अधिकारीओए दरिया विस्तारनी मुलाकात लीधी छे। खुद एएसपी विकास सुंडा पण दरिया किनाराना विस्तारोमां सतत निरीक्षण करी रह्या छे। जे हालमां जे स्थिति छे तेनी समीक्षा करी रह्या छे। दहेज बंदरे 9 नंबरनुं एलर्ट सिग्नल लगावी देवामां आव्युं छे। पोर्ट ऑफिसे आपेल माहिती प्रमाणे बंदरनी जमणी तरफथी वावाजोडुं अतिवेगे पसार थशे तेवी भीति दर्शाववामां आवी छे। चक्रवातनो मोटो खतरो हाल तोळाई रह्यो छे। एनडीआरएफनी टीम द्वारा दहेजना जागेश्वर गामे सतत जे किनाराना लोको छे तेमने समजावानो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे। एनडीआरएफनी टीम दहेजना जागेश्वर गामे पहोंची छे, ज्यां खाना खराबी थवानी संभावना छे एवा विस्तारोमांथी लोकोने आश्रय स्थानोमां पहोंची जवा सूचना आपवामां आवी रही छे। जागेश्वर किनाराणी झूंपड़पट्टीना 35 लोकोनुं सलामत स्थळे स्थळांतर करी देवायुं छे। आम तो भरूचना 3 तालुकाना 2500 લોકોનું સલામત સ્થળે સ્થળાંતર કરી દેવાયું છે। આપ જોઈ શકો છો દ્રશ્યમાં દરિયાકાંઠાના વિસ્તારના જે લોકો છે તેમની પોલીસ દ્વારા, ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા મુલાકાત લઈ તેમને સમજાવી અને સલામત સ્થળે ખસેડવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે। અનેક લોકોને સ્થળાંતરિત કરી દેવાયા છે, તો હજુ પણ કેટલાક લોકો પોતાના ઘરો છોડવા તૈયાર નથી। ત્યાં પોલીસ દ્વારા સમજાવટ કરી અને તેમને સલામત જગ્યાએ ખસેડવાની પ્રક્રિયા પણ ચાલી રહી છે। એનડીઆરએફની ટીમ દ્વારા લોકોને સમજાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે। માઇક દ્વારા એનાઉન્સ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। તંત્ર દ્વારા આશ્રય સ્થાનો જે છે ત્યાં લોકોને રહેવા જમવાની જે તમામ સગવડો છે ઊભી કરવામાં આવી છે, સાથે કોવિડ ગાઈડલાઇનનું પાલન થાય તે માટેની તકેદારી પણ રાખવાની સૂચના આપવામાં આવી છે। આપ જોઈ શકો છો પરિવાર સાથે, નાના નાના ભૂલકા સાથે અનેક પરિવારો આશ્રય સ્થાનો પર પહોંચી ચૂક્યા છે અને પોલીસ દ્વારા સતત આવા લોકોને આશ્રય સ્થાનોમાં મોકલવાની કામગીરી હજુ પણ સતત ચાલી રહી છે। और यहाँ से तुरंत हाई स्कूल की तरफ इस इलाके को खाली करें, प्रशासन का सहयोग करें, एनडीआरएफ का सहयोग करें। हम सब आपकी मदद के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सांभरो 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 भैया, एनडीआरएफ की टीम आ रही। माननीय कलेक्टर श्री के द्वारा इस वावाजोड़ा के संबंध में सारी तैयारियां समय पर चल रही हैं। जिन जिन लोगों को कच्चे मकानों से पक्की जगहों पर शिफ्ट करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। पक्की जगहों पर उनके खाने का रहने की पूरी अरेंजमेंट है। तो मेरा उन लोगों से अनुरोध है कि उन गांव के विशेष रूप से सरपंच से और अन्य आगेवानों से कि वो इस प्रक्रिया में पुलिस को और अन्य प्रशासन के अन्य तत्वों को पूरा सहयोग दें। पुलिस बंदोबस्त पूरी तरह से लगा हुआ है, किसी को भी दरिया किनारे नहीं जाने दिया जाएगा। और दूसरी बात है कि जो भरूच में चेतावनी है, भरूच को ग्रीन जोन में है, लेकिन चेतावनी जो है भरूच में वो तेज़ पवन और बारिश की चेतावनी है। तो तेज़ पवन के कारण किसी भी तरह के होने वाले जान मान की हानि को रोकना हमारा प्रथम उद्देश्य है। इसके लिए ही हमने जो कच्चे मकान हैं वहाँ से लोगों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली है और वो प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी। और शिफ्टिंग सेंटर्स में भी कोरोना संबंधित जो बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सैनिटाइज़र है, इसके लिए भी हमारे ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सर, कितने लोगों को शिफ्ट किया गया है? संख्या काफ़ी है। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि और कितने लोगों को रिक्वायरमेंट की आवश्यकता है। पर्सनली हम लोग विजिट कर रहे हैं गांव में कि जो भी मकान, हमें ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ कच्चे मकान हैं, कुछ मकानों की स्थिति देख के लग सकता है कि वो काफ़ी पुराने हैं,
तो उन लोगों को भी शिफ्ट कर रहे हैं, वो प्रक्रिया लगातार जारी है। पोर्ट ऑपरेशन भी बंद करवाया गया था, पोर्ट ऑपरेशन के लिए कुछ इसकी जानकारी नहीं। सर साइक्लोन कितने टाइम तक आ सकता है, ऐसा कोई टाइम बताया? 7 बजे का लैंडफॉल का टाइम है अभी तो ऊपर से, लेकिन जैसे जैसे सूचनाएं मिलेगी वो आपको भी बता दी जाएगी। ठीक है। जो तमे हजु सुधी तीर समाचार ने सब्सक्राइब नहीं करी तो अत्यारे यूट्यूब पर तीर समाचार ने सब्सक्राइब करो अने बेल आइकॉन जरूर दबाओ। धन्यवाद।